चाहे आप इसको किसी भी नाम से बुला लो या आप इसके अंदर कुछ भी इस्तेमाल कर लो, बनती तो ये हर घर में है, हमारी प्यारी खिचड़ी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3 टाइप की खिचड़ी की रेसिपी। क्या आपको पता है कि दाल और चावल दोनों में ही प्रोटीन होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। जब हम दाल और चावल को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये एक कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है। ये हमारे पूर्वजों को पता था, इसीलिए उन्होंने खिचड़ी बनाई जिसमें दाल और चावल को मिलाकर हम एक कम्प्लीट प्रोटीन और एक कम्प्लीट मील बनाते हैं। चाहे हम बीमार हो या हमारा पेट खराब है या यूं ही बस ऐसे ही कुछ भी बनाने का मन नहीं, तो पूरे परिवार के लिए एक ही पॉट में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं मेरी 3 टाइप की खिचड़ी की रेसिपी, जो आपको अमेजिंग वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगी। सबसे पहले हमने कुकर को हीट कर लिया है। यहाँ पे 1 स्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च डाल रही हूँ, ग्रीन चिलीज ये ऑप्शनल है लेकिन इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड अदरक डाली है मैंने। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम। 2 टेबलस्पून मसूर दाल को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया है, कुकर में डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने चना दाल को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको भी कुकर में डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने अरहर दाल को वॉश कर लिया है, इसे भी कुकर में डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। 2 कप पानी डाल देंगे हम कुकर में, ये गया 1 कप और ये 2 कप पानी। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर देंगे और कुकर की लिड को क्लोज कर देंगे और इसको हम लो टू मीडियम हीट पर अराउंड 2 to 3 विसल्स आने देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 1 स्पून देसी घी डाल रही हूँ, आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। हमें ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना है, पहले भी मैंने 1 छोटा स्पून घी यूज किया था, अभी भी मैंने यहाँ पे 1 छोटा स्पून घी यूज किया है। अब इसके अंदर मैंने फाइनली चॉप्ड अदरक डाल दी है, फाइनली चॉप्ड लहसुन डाल रही हूँ कढ़ाई में, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, ये भी ऑप्शनल है मगर इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाल वाली सूखी मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हीट हमारी लो टू मीडियम ही रहेगी, नहीं तो ये मसाले जल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड प्याज, लेकिन अगर आप गार्लिक और अनियन नहीं खाते तो आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। अब इनको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाएं। अब अनियंस हमारे कुक हो गए हैं अच्छे से, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमाटर, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और ये जो दाल हमने कुकर में कुक करी थी, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और क्या खुशबू आ रही है अभी से, मुझसे वेट नहीं हो रहा इसको खाने के लिए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/4 कप कुक्ड राइस, बॉइल्ड राइस है ये, वाइट राइस है, आप यहाँ पर ब्राउन राइस भी ले सकते हो, दोनों में से किसी भी राइस का आप यूज कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हमें दाल के साथ मिक्स कर देना है। अब मैं डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देगा, मैंने यहाँ पे डाली है कसूरी मेथी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, अब इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, बस इसे 2-3 मिनट तक लो हीट पर हमें कुक करना है और यह है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी, माउथ वाटरिंग डिलिशियस खिचड़ी हमारी। ये माउथ वाटरिंग डिलिशियस खिचड़ी खाकर भी वेट लॉस हो सकता है, आपको यकीन ही नहीं आएगा। इसका एक मीडियम साइज बोल आप अपने ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, और इसको अपने डिनर में भी ले सकते हैं अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और देखिए कितनी माउथ वाटरिंग और डिलिशियस लग रही है, ये बहुत अमेजिंग है फॉर वेट लॉस और आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। एक कुकर को मैंने यहाँ पे हीट कर लिया है और 1/4 कप व्हाइट राइस ले रही हूँ, आप इसकी जगह पर ब्राउन राइस भी ले सकते हो, मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप मूंग दाल ले रही हूँ, इसको भी मैंने कुकर में डाल दिया है, बहुत अच्छे से वॉश किया है इसको भी। अब कुकर में डाल देंगे अराउंड 1.5 कप पानी,
थोड़ा सा इस टाइम पर आप यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं। अब कुकर की लिड को हम कर देंगे क्लोज और इसको स्लो टू मीडियम हीट पर हम अराउंड 2 to 3 विसल्स आने देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को हीट कर लिया है, सिर्फ 1 स्पून मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ी सी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड अदरक, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड लहसुन डाल देंगे, थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिली और ड्राई रेड चिली डाली है मैंने यहाँ पर, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। थोड़े से चॉप्ड प्याज डाल रही हूँ यहाँ पर, फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, फाइनली चॉप्ड गाजर, एक छोटा आलू मैंने फाइनली चॉप्ड डाला है यहाँ पर, अराउंड 2 टेबलस्पून्स मैंने यहाँ पे हरे मटर डाले हैं। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, कुक कर लेंगे हम। एक चॉप टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें हम और वेजिटेबल्स को कुक होने देंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है और वेजिटेबल्स हमारी कुक हो रही हैं। ये हमारे दाल और राइस जो हमने कुकर में कुक किए थे, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। बहुत अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये हमारा डिलिशियस मील बनके रेडी है, जिसके अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फाइबर भी है और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं। तो ये एक कंप्लीट मील बनके रेडी हो रहा है। ये एक 1 पॉट मील है जो आप अपने साथ पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं और गारंटीड सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस है और बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा आपको। बस 2 से 3 मिनट इसको हमें लो टू मीडियम हीट पर कुक करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। इसको हम सर्व कर देते हैं। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो 1 मीडियम बोल आप इसका अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं, बहुत ही सुपर वेट लॉस देगी आपको। और अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी खा सकते हैं। टेस्टी भी है, क्विक इजी हेल्दी रेसिपी है और बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी। हम बना रहे हैं बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट की खिचड़ी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप बाजरा ले लिया है, इसको बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब बाजरा को हमने कर लेना है कोर्सली ग्राइंड अपनी मिक्सी में, तो ये हमने कोर्सली पीस लिया है बाजरे को। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1.5 कप पानी मैंने बॉयल कर दिया है, उसके अंदर बाजरा डाल रही हूँ जो हमने ग्राइंड किया था। अब इसको हमें लैडल से चलाते रहना है, थोड़ा सा हमें इसे कुक करना है पानी के साथ, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ग्रीन मूंग दाल, जिसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चना दाल, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। और 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ चावल, जिसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर से हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई को हम लिड से कवर कर देंगे और इसको हम लो टू मीडियम हीट पर कुक होने देंगे। लिड हटाकर हम चेक कर लेंगे, अगर पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तो हीट यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को लिड से कवर करके अराउंड 15 to 20 मिनट्स छोड़ देंगे, तो खिचड़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनी है ये और वेट लॉस के लिए तो सुपर्ब है। इसके ऊपर 1/2 टीस्पून आप देसी घी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, आप इसको अपने ब्रेकफास्ट और लंच में ले सकते हैं फॉर वेट लॉस। तो ये हमारी 3 टाइप की खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी तो आप सबने खाई भी होगी और बनाई भी होगी। अगर इस तरीके से बनाएंगे जिसे मैंने आपको वीडियो में बताया है तो आप बहुत ही अच्छा वेट लॉस भी कर सकते हो, साथ ही साथ में ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है, पूरी फैमिली के लिए एक साथ बन जाएगी और गारंटी सबको बहुत पसंद आने वाली है। आपको अपने डाइट के लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, पूरी फैमिली का खाना एक साथ बन जाएगा, वो भी झटपट। और फिर देखिए कितना अमेजिंग वेट लॉस करते हैं आप इससे। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में ले सकते हैं, लेकिन पोर्शन का ध्यान रखना है, 1 मीडियम साइज बोल में ही खाना है। और अगर आपने ये किया
साथ ही साथ में बाहर का कुछ भी खाना ना खाया, पूरे दिन में 3-3.5 लीटर पानी आपने पिया, 7-8 घंटे की नींद ली और साथ में सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक करी, तो फिर देखिए मंथ में आप 8-10 केजी तक लूज कर सकते हैं इस वंडरफुल खिचड़ी के साथ। तो ये खिचड़ी जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। ऐसी और अमेजिंग रेसिपीज देखते रहने के लिए और अमेजिंग डाइट प्लान्स देखने के लिए, बहुत अच्छा वेट लॉस करने के लिए, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।